यार डाइटिंग हो गई थी ये। कमेंट्स इधर तो दिख ही नहीं रहे थे। वो स्टार्ट कर, हाँ अभी आ गया था। एक भी नहीं है, जीरो। इतने सारे तो स्टार्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कंप्लीट एग्रीकल्चर जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हैं और जिनके आने की संभावना है, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज के लिए आप सभी को एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा कि जितने भी कोर्सेज इस ऐप पर, जो कोचिंग क्लासेस हैं उसकी ऐप पर अवेलेबल है हाईटेक क्लासेस पर, उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ कि सभी कोर्सेज जो हैं वो आपको मिनिमम प्राइस पर मिल रहे हैं। जितनी भी आपकी क्लासेस हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन ये जो क्लासेस हैं वो अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे अच्छी चल रही है और उसी के साथ साथ सबसे कम प्राइस भी है। तो अगर आप अभी तक इस कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आइए और अपने कोर्सेज जो भी आपको चाहिए, जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसे जल्दी से परचेज कर लीजिए। ओके, चलिए। तो हम आज सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा विश्वकर्मा जयंती की। कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले श्री विश्वकर्मा जी, ऐसा कहा जाता है। और जितने भी मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो कोई कारीगर हो, चाहे कोई कलाकार हो, कोई सुथार हो, जो अपनी कारीगरी, अपने करामात के दम पर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके पूज्य माने जाने वाले श्री विश्वकर्मा जी को उनकी जयंती पर हम प्रणाम करते हैं और उनसे ये आशा करते हैं, शुभकामनाएं मांगना चाहेंगे कि हमें भी हमारे जो भी कार्य हैं उन सभी में सफलता प्रदान करें। और जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, पर उन सभी को अपने काम के अंदर, उनके एग्जाम के अंदर सबको सफलता प्रदान करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। युवराज जी, भावना जी, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार जी, गुड इवनिंग। किसान एग्रो सर, एडीओ की तैयारी कैसे करें? एडीओ की तैयारी, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। शशिकांत जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बुलडोजर बाबा आज सबसे पहले हाजिर हुए हैं, क्या बात है। ओके, द किंग ऑफ एग्रोनॉमी एंड एंटोमोलॉजी इज बैक। किंग मैं नहीं हूँ बेटा, किंग आप लोग हैं जो कुछ अच्छा बनकर एक ताज हासिल करेंगे। हम तो आपके पीछे हमेशा एक सहारे के रूप में खड़े हैं। शशिकांत जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। अनूप जी कह रहे हैं राम राम सर, राम राम। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी सेक्शन के बारे में। ओके, एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे लगभग लगभग हर स्टूडेंट जो है वो डरता है। ओके, कई लोग हो सकते हैं जो बहादुर हो मेरी तरह, जो नहीं डरते हो इनसे, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज से डरते हैं कि सर किस तरह से नाम याद होंगे, किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल याद होगी, किस तरह से मैनेजमेंट के बारे में हम याद करेंगे। तो आज हम एंटोमोलॉजी की स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर ऑफ विंगलेस इंसेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से चार ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं उसके अंदर से अपंखी कीट, मतलब जिसके अंदर पंख नहीं है, ठीक है, विंगलेस इंसेक्ट, या फिर हम इसको अटेरेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अटेरेस इंसेक्ट, जिसके अंदर पंख नहीं है, वो कौन सा इंसेक्ट है? चार ऑप्शन सामने। पहला है थाइसिन्यूरा, दूसरा है डिप्टेरा, तीसरा कोलियोप्टेरा और चौथा है हाइमिनोपेरा। जल्दी से आंसर जो है मुझे बता दीजिए। रोहित जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
रितेश जी कह रहे हैं गुड इवनिंग आपको भी, कौशल जी गुड इवनिंग, जोया जी गुड इवनिंग आपको, राणा कुमार यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले रितेश जी ने भी कहा कि सर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर माना जाना चाहिए, थाई सिन्यूरा इसका आंसर जाएगा। ओके, किसान एग्रो कह रहे हैं कि ए ऑप्शन, भावना जी कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, और इसके साथ मोहित मेहता जी भी, राणा कुमार जी सभी जो है वो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, बाकी जो स्टूडेंट्स है वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजन है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले आंसर मैं बता दूं आपको, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, थाइसिन्यूरा। क्या आंसर है इसका? थाइसिन्यूरा। ओके, शिवानी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको। चलिए अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता देता हूँ जो एग्जाम के अंदर आपको हमेशा काम आने वाली है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक हमें याद रखनी है, जो मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ उसी के बारे में। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, पकोड़ी था। क्या ट्रिक है? पकोड़ी था। लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये ट्रिक याद है, जो भी ऑफलाइन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप आज जुड़े हैं ऑनलाइन, तो आज मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर जरा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला, प से हम लिखते हैं प्रोटूरा। किसका नाम लिखते हैं? प्रोटूरा। ओके, को से हम बात करें तो हमें लिखना है कोलम्बोला। किसकी बात करेंगे? कोलम्बोला की बात करेंगे। सेकेंड जो है, थर्ड हम बात करें डी से तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाइप्लूरा। क्या लिखते हैं? डाइप्लूरा। और था से लास्ट हम बात करें तो कौन सा आता है? थाइसेन्यूरा। कौन सा आएगा? थाइसेन्यूरा। तो चार ऑर्डर आपके सामने यहाँ पर है। इसके अलावा भी कई इंसेक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन एग्जाम में अभी तक जो पूछे गए और पूछने की संभावना है वो इन चार ऑर्डर्स की है। इनको ध्यान रखना है, ये कैसे होते हैं? अटेरेस, जिनके अंदर पंख नहीं मिलते हैं। यहाँ पर साइड में आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये जो इंसेक्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर कहीं पर भी हमें पंख नहीं दिख रहे हैं। और ये जो हमारा इंसेक्ट है वो किसका है? थाइसिन्यूरा का है। किसका है? थाइसिन्यूरा का। और इस इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश। ये अकेली ऐसी फिश है जो फिश नहीं होती है, ये एक इंसेक्ट का नाम है जो कौन से ऑर्डर का है? थाइसिन्यूरा ऑर्डर का होता है। ओके, चलिए संजय जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कपिल जी आपको भी गुड इवनिंग। ओके, सिल्वर फिश रितेश जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक को चेक कर लेते हैं। ओके चलिए, किंग 27 आरजे 27। ओके, ऐसे नहीं कहते हैं। ओके, अभी चेक करा लेते हैं आवाज को, ठीक है। चलिए सेकंड हम क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द इंसेक्ट्स इज कॉल्ड जून बीटल। चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है जून बीटल किसको कहा जाता है। ओके, चार ऑप्शन दिए। पहला दिया है व्हाइट ग्रब, जिसको हम क्या कहेंगे? सफेद लट कहेंगे। क्या कहेंगे? सफेद लट कहा जाएगा। ओके, दूसरा दिया है हमको कौन सा? खपरा बीटल। कौन सा दिया है? खपरा बीटल। ओके, तीसरा जो हमें ऑप्शन दिया है वो कौन सा है? अनार बटरफ्लाई, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? अनार की तितली कहेंगे। ओके, और लास्ट हम बात करें तो कौन सा दिया है हमें? मस्टर्ड एपिड या फिर मोइला। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए मेरे को। यहाँ पर नरेंद्र जी कह रहे हैं हाय, आपको भी हाय। एसपी चौधरी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मोनिका जी कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। भावना जी कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन, अनार बटरफ्लाई को जून बीटल कहा जाता है। ओके, इसके बाद मोहित मेहता जी कह रहे हैं ए ऑप्शन सही होगा। नरेंद्र यादव जी ए ऑप्शन के साथ। दिनेश कुमार जी यूपी से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। वो कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन सही होगा। ओके, और सुमन जी जो है वो कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन, खपरा बीटल को कहा जाएगा। कारण है इसका कि यहाँ पर भी क्या लिखा है? बीटल लिखा है, इसीलिए यहाँ पर भी बीटल ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही, उस हिसाब से ही आंसर सही होगा। जोया जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, कपिल जी कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। ओके चलिए, तो बात कर ले आंसर क्या सही है इसका। तो हम कहेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कौन सा है, व्हाइट ग्रब, इसको हम क्या कहते हैं? जून बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जून बीटल कहेंगे। ओके चलिए, इसके दूसरे नाम और है आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो व्हाइट ग्रब है ना, इसी व्हाइट ग्रब को हम क्या बोलते हैं? मई बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मई बीटल। दूसरा नाम हमने इसको क्या दिया है? जून बीटल। क्या कहते हैं इसको? जून बीटल। और तीसरा जो नाम दिया है हम इसको कहते हैं कॉक चैफर बीटल। क्या कहते हैं इसको? कॉक चैफर बीटल भी कहा जाता है। तो ये जो तीनों नाम है वो किसके हैं? व्हाइट ग्रब के, सफेद लट के ही नाम माने गए हैं।
बात करें कि ये जो सफेद लट है इसका वयस्क कैसा दिखता है, तो आप सामने डायग्राम पर देख सकते हैं इसका वयस्क जो है अडल्ट वो इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये कौन से ऑर्डर का है, तो हम कहेंगे कोलियोप्टेरा ऑर्डर का है। कौन से ऑर्डर का है, कोलियोप्टेरा का है। और अगर बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली कौन सी है इसकी, मेलेलॉन्थिडी। कौन सी है इसकी फैमिली, मेलेलॉन्थिडी। इस कुल का ये जीव होता है। और अगर बात करें इसकी खास बात क्या है, तो ये इंसेक्ट जो है ये पौधे की पत्तियां या फिर उसके नए भाग जो है उन पर आक्रमण नहीं करता। ये किस पर आक्रमण करता है, हम कहेंगे जड़ों पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करेगा, जड़ों पर। और ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें जड़ों पर फल लगते हैं या जड़ों पर दाने लगते हैं, तो हम कहेंगे सर हमें पता है कौन सी फसल है, मूंगफली। कौन सी फसल है, मूंगफली। तो मूंगफली का जो प्रमुख कीट है वो कौन सा है, व्हाइट ग्रब माना गया है। ओके, और अगर बात करें सर मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा है, अगर आप पैथोलॉजी की बात करते हैं तो प्रमुख रोग हम कौन सा कहेंगे, टिक्का रोग। कौन सा रोग, टिक्का रोग। तो दोनों चीजें एक साथ ही याद कर लो, मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा, टिक्का रोग, और प्रमुख कीट कौन सा है, सफेद लटिया व्हाइट ग्रब। नरेंद्र यादव जी कह रहे हैं SPA, ये क्या होता है मुझे भी बता दो। ओके, रूट के लिए है, मूंगफली के लिए। रितेश जी कह रहे हैं ग्राउंडनट, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जरा ध्यान से देखना उसको बेटा। क्वेश्चन क्या पूछता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें से किसमें पाया जाता है। चार ऑप्शन जो है वो आपके साथ भी, ओके, एंटोमोलॉजी भी आएगी क्या सर, दीपक साहू जी कह रहे हैं। अरे एंटोमोलॉजी नहीं आएगी, प्लांट प्रोटेक्शन आएगी, जिसमें फसलों को रोगों और कीटों से बचाया जाता है। तो आपको वहां पर हम कह सकते हैं डायरेक्टली एंटोमोलॉजी नहीं दिया, लेकिन आपको इनडायरेक्टली एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करें, क्या इसका आंसर जाना चाहिए, अपूर्ण कायांतरण किसके अंदर मिलेगा बेटा, व्हाइट ग्रब है या खपरा बीटल है या अनार बटरफ्लाई या मस्टर्ड एफिड। जल्दी से आंसर बता दो इसको। ओके, टिक्का रोग है, अर्ली टिक्का ड्यू टू सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला। बिल्कुल सही सर, मैं यूपी के कुशीनगर से हूँ, कुशवाहा ब्रदर जी आपका स्वागत है सर। चलिए, मस्टर्ड एफिड यहाँ पर करीना जी कह रहे हैं, मोहित जी किसान एग्रो स्टार कह रहे हैं, मोहित जी कह रहे हैं, और युवराज जी ने भी कहा है कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा सर। ओके, चलिए बात करें, और संजय जी कह रहे हैं, अनिता जी कह रहे हैं, रितेश जी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही होगा। ओके, जल्दी से बात कर ले, जब इतने सारे आंसर्स आ गए तो फिर मैं गलत कैसे कर सकता हूँ। आप बिल्कुल सही है, क्या आंसर है इसका, मस्टर्ड एफिड। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें हम, मेटामॉर्फोसिस क्या चीज है, तो इसको देख लें एक बार। मेटामॉर्फोसिस जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण। कायांतरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है काया और दूसरा है अंतरण। ओके, अंतरण का मतलब तो क्या होता है, बदलाव। क्या मतलब है, बदलाव। और काया का मतलब क्या है, शरीर। क्या मतलब है, शरीर। तो किसी भी कीट के जीवन में जब उसके शरीर में बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो क्या हमारे शरीर में बदलाव होता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं होता सर, क्योंकि हमारे हाथ उतने ही हैं, हमारे पैर उतने ही हैं और सिर उतने ही है। लेकिन अगर हम किसी इंसेक्ट की बात करें तो उसके अंदर पैर जब वो जन्म लेता है तब अलग नंबर के हैं, और जब वो आखिर में अडल्ट बनता है तब तीन जोड़ी पैर मिलेंगे, मतलब पैरों के अंदर बदलाव हुआ। जब वो पैदा होगा, लार्वा बनेगा, तो पंख नहीं मिलते, लेकिन वयस्क में पंख मिल रहे हैं, मतलब उसके शरीर में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज हमको ध्यान रखनी है, ये सारे बदलाव हैं। और अगर बात करें मेटामॉर्फोसिस कितने टाइप का होता है, तो हम कहते हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट और एक कौन सा होता है, कम्प्लीट। ओके, सिंपल सी चीज एग्जाम के लिए ध्यान रख लेना कि जब भी किसी कीट के जीवन काल में चार अवस्थाएं मिलती है तो उसे कंप्लीट कहेंगे, और अगर चार से कम मिलेगी, चाहे वो तीन हो चाहे दो हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहेंगे। ओके, कंप्लीट के अंदर चार अवस्थाएं कौन कौन सी है, वैसे तो लगभग सभी जानते हैं पर फिर भी हम लिख दें इसके अंदर। सबसे पहले एग, फिर कौन मिलेगा, लार्वा। लार्वा के बाद कौन बनेगा, प्यूपा, और लास्ट में कौन बनेगा, अडल्ट बनेगा। और अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो तीन अवस्थाएं पाई जाएगी, सबसे पहले कौन बनेगा, एग, लास्ट में क्या बनना है, अडल्ट बनना है, लेकिन बीच में एक अवस्था मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। क्या कहेंगे, निम्फ। ओके,
ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इसकी हानिकारक अवस्था है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोच समझ कर आंसर देना। क्या अंडा कभी नुकसान पहुंचाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर एग जो है वो दोनों क्या होंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बात करें प्यूपा की, तो बेटा प्यूपा जो है वो कैसी है, रेस्टिंग फेज है या फिर उसके आराम करने की अवस्था है, तो ये भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बचा कौन यहाँ पर, लार्वा और अडल्ट, ये दो हमारे ऑप्शन जो है बचते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी होगा तब ध्यान रखेंगे, जब भी लार्वा का नाम आ जाएगा, लार्वा क्या होता है, सदैव हानिकारक होता है, हमेशा हानिकारक होगा। तो जिस भी कीट में लार्वा मिलेगा उसमें हमेशा लार्वा हानिकारक होगा। वयस्क या अडल्ट जो है वो कभी हानिकारक हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। ओके, और बात कर ले ज्यादातर किसके अंदर हानिकारक होगा, तो हम कहेंगे सर एक तो हमारा कोलियोपेरा, कौन है, कोलियोपेरा। इसके जो अडल्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक, ठीक है, इसका हमें ध्यान स्पेशल रखना है। और निम्फ की बात करें तो निम्फ हमेशा हानिकारक होता है और अडल्ट भी हमेशा हानिकारक होगा। तो जिसके अंदर निम्फ मिल गया उसकी दोनों अवस्थाएं, निम्फ और अडल्ट दोनों हमेशा कैसी होगी, हानिकारक होगी। ओके, चलिए कंप्लीट एग लार्वा प्यूपा अडल्ट, बिल्कुल सही है, कोलियोप्टेरा हेमिनोप्टेरा। ओके, ये तो पूरा का पूरा आपने नाम ही बता दिया। चलिए इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, अगर आपने याद नहीं करी है तो हम फिर से बता दें, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब भी कंप्लीट की बात होगी, किसकी बात होगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो वहां पर हमें ट्रिक याद रखनी है, कौन सी, K, H, L और D, चार याद रख लेना। और अगर बात करें इनकम्प्लीट की, तो इनकम्प्लीट के अंदर हमें पांच याद रखने हैं, कौन से, D, H, O, T, I, ओके, एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा, धोती, ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। K से बात करें तो यहाँ पर कौन आता है बेटा, कोलियोप्टेरा, कौन आता है, कोलियोप्टेरा। H से हम बात करें तो कौन आएगा, हाइमिनोप्टेरा, कौन आएगा, हाइमिनोप्टेरा। L से बात करें तो लेपिडोप्टेरा, ओके, और लास्ट इसके अंदर बात करें हम डी से, कौन आएगा, डिप्टेरा, ठीक है। ये चारों ऑर्डर जो होंगे वो हमेशा कंप्लीट के, और यहाँ पर डी से बात करें तो कौन आएगा हमारे पास, डिक्टियोप्टेरा, कौन सा आएगा, डिक्टियोप्टेरा। सेकंड बात करें एच से, कौन आएगा, हेमिप्टेरा, कौन आएगा, हेमिप्टेरा। ओ से बात करें तो कौन आएगा, ऑर्थोप्टेरा, ओके, और फिर बात करें टी से, कौन सा आएगा, थाइसेनोप्टेरा, कौन सा आएगा, थाइसेनोप्टेरा। और लास्ट बात करें आई से, कौन आएगा, आइसोप्टेरा, कौन सा आएगा, आइसोप्टेरा। तो ये हमारी ट्रिक है यहाँ पर याद करने की, के एच एल और डी, इसको हम क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी हमेशा कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और अगर बात करें इनकम्प्लीट की, तो इनकम्प्लीट में क्या ट्रिक याद रखनी है, धोती याद रखनी है, धोती कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक ऊपर जब्बा नहीं पहना जाए तब तक, ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है इनकम्प्लीट के अंदर क्या ट्रिक है और कंप्लीट में कौन सी है। ओके, चलिए हमने याद की है, ओके, टुडे मूड ऑफ, क्या हो गया आज, मूड ऑफ क्यों है, इतना याद नहीं करना चाहिए किसी को कि मूड ऑफ हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, क्या पूछा हुआ है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, सर्वांगी कीटनाशी पूछा है, क्या पूछा है, सर्वांगी कीटनाशी। और सर्वांगी क्या चीज होती है, जरा यहाँ पर सुन ले, सर्वांगी का मतलब क्या है, जो पूर्ण शरीर में फैल जाता है, किसमें फैल जाता है बेटा, पूर्ण शरीर में फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगी कहेंगे। और ये किसकी बात हो रही है, पौधे की बात हो रही है, तो पौधे के पूर्ण शरीर में फैलने वाला एक कीटनाशी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर जरा देखें, एक दिया है डाइमिथोएट, एक दिया है इमिडाक्लोप्रिड, एक दिया है हमें मिथाइल डेमेटोन, और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी सही हैं। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका, टुडे मूड ऑफ वापिस आ गए, इन्होंने कहा सर ऑल आएगा, ठीक है, मोहित जी कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, संजय जी कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, ओके, युवराज जी कह रहे हैं डी आएगा 1000%, इतना तो होता ही नहीं बेटा, इतना आगे नहीं जाना अपने, ठीक है, रितेश जी कह रहे हैं ऑल आएगा, करीना जी कह रहे हैं डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ओके, भावना जी कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, ओके, बिल्कुल सही है, ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, इसके अंदर सही आंसर होगा। यहाँ पर याद रखें
डाइमिथोएट, इमिडाक्लोप्रिड, मिथाइल डेमेटोन, तीनों के तीनों क्या है, सिस्टम में एक इंसेक्टिसाइड होते हैं। पर इसकी खास बात क्या है बताऊं क्या, ये जितने भी इंसेक्टिसाइड है ये मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, रस चूसने वाले जितने भी कीट है उनके लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। कौन कौन से है जरा नाम देखे बेटा, तो एक तो है सरसों का मोइला, जिसको आप क्या कहते हैं, एफिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एफिड। एक हमें याद रखना है चूर्णी मतकुण, क्या नाम याद करना है, चूर्णी मतकुण, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलीबग कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीबग। और लास्ट में हमारी जो फ्रूट फ्लाई है, कौन है बेटा, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम फल मक्खी का नाम भी देते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज जो है वो करते हैं। जितने भी कीट जो फलों के अंदर पाए जाएंगे या फिर उनका रस चूसते हैं उनके लिए इन सर्वांगी कीटनाशियों का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और बिल्कुल सही इन्होंने बताया, कौन सा, सफेद मक्खी या फिर हम कहें व्हाइट फ्लाई जो है उसके नियंत्रण के लिए भी हम इसका यूज जो है वो करेंगे। क्लियर है, आई होप ये चीज ध्यान रहेगी कि जितने भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं वो इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए। ओके, प्रयाग जी कह रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है यहाँ पर युवराज जी कह रहे हैं कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना किसका है, फल मक्खी का नाम है। चलिए, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ ग्राम पॉट बोरर आर कंप्लीटेड इन वन ईयर, मतलब एक साल का अगर समय दिया जाए ना तो चने का फली छेदक जो है उसकी कितनी पीढ़ियां पूरी हो जाती है। बात करें एक दिया हुआ है फर्स्ट के अंदर एक, सेकंड दिया हुआ है दो से तीन पीढ़ियां, तीसरा दिया है चार से पांच, और फोर्थ दिया है दस से बारह पीढ़ियां। जल्दी से इसका आंसर जो है बता दीजिए। सोनम वर्मा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको। चलिए, संजय जी कह रहे हैं बी ऑप्शन इसका सही होगा, एक लीटर में 2 ml, बिल्कुल सही है, इसकी डोज है अब आजकल बढ़ गई है, अब इसको हम 3 ml से 5 ml लेने लग गए हैं। ओके, फिटनेस फ्रीक बॉक्सर जी कह रहे हैं प्रणाम सर, प्रणाम आपको। ओके, जल्दी से बता दीजिए। मोनिका मेहता जी कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन होगा 4 से 5। ओके, अनीता जी कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन होना चाहिए, 2 से 3 पूर्ण होगी। फिर बात करें मोहित जी, रितेश जी कह रहे हैं सी, मोहित जी कह रहे हैं बी ऑप्शन। ओके, चेतन कुमार जी कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है सही जाएगा, 2 से 3। ओके, चलिए, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये तो डाउट नहीं है, या तो एक जो है ये भी नहीं है, इसको भी आपने कैंसिल किया, और लास्ट जो है 10 से 12 ये भी आपने कैंसिल किया। ओके, चलिए, गणी गणी राम राम आपको। ओके, प्रयाग राजपूत जी राम राम आपको भी। चलिए, तो बात करें यहाँ पर क्या ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या है, 4 से 5 पीढ़ियां जो है वो इसके अंदर पूरी होती है। कारण मैं बता देता हूं, यहाँ पर जरा देखें, जब ये चने पर रहता है उस समय पर इसकी 2 से 3 पीढ़ियां पूरी होती है। कितनी पीढ़ी होती है पूरी, 2 से 3। कब हुआ बेटा ये, रबी के अंदर, कब हुआ, रबी के अंदर। लेकिन चने का फली छेदक है ना, इसी फली छेदक को हम क्या कहते हैं, कपास का अमेरिकन बॉलवर्म। क्या कहते हैं, कपास का अमेरिकन बॉलवर्म। तो वहां पर भी 2 से 3 पीढ़ियां जो है वो पूरी हो जाती है। कब होगी बेटा, खरीफ के अंदर। कब होगी, खरीफ में। दोनों का एवरेज हम निकालते हैं तो लगभग लगभग कितनी पीढ़ियां, 4 से 5 पीढ़ियां जो है वो एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर जो है वो पूरी होती है। और ये जो चने का फली छेदक और कपास के अंदर हम बात करें, क्या कहेंगे इसको, अमेरिकन बॉलवर्म। क्या कहेंगे इसको, अमेरिकन बॉलवर्म का नाम दिया जाएगा। दोनों का नाम जो है वो सेम है। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ओके, क्या कहेंगे, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। और अगर आपको एग्जाम में हेलिकोवर्पा नहीं दिया तब क्या करना बेटा, वहां पर ढूंढना नाम मिल जाएगा, हेलियोथिस आर्मीजेरा। क्या नाम है, हेलियोथिस आर्मीजेरा। ओके, ये जो कीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कारण है इसका कौन सा, इसका नियंत्रण जो है वो इसका कारण बनता है, क्योंकि हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, बीटी कपास यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीटी कपास। आगे क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, तब हम बात करेंगे बीटी कपास के बारे में। राठौड़ पायल जी कह रहे हैं धोख दूं गुरु जी, आपको भी प्रणाम। ओके, आर्मी जेरा। ओके, बिल्कुल आर्मी जेरा सही है, अमेरिकन बॉलवर्म एकदम। यहाँ पर आए हुए सभी जो है वो इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं आज, तो तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। चलिए, एनपीवी, बिल्कुल एनपीवी जी है। हेमलता जी कह रहे हैं
नमस्ते सर, नमस्ते। ये फिटनेस फ्रीक जी कह रहे हैं याद रखना पड़ेगा। ओके, याद रख लेंगे। हाँ बिल्कुल, आर्मी जेरा याद रख लो, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, प्यूपा ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर लिव्स इन, कि हमारा ये जो यहाँ पर इंसेक्ट दिख रहा है इसके ऊपर आप देखें, इसका जो शरीर है उसके ऊपर लाल रंग के बाल हमें दिख रहे हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ रेड हेरी। क्या कहूंगा? रेड हेरी मतलब लाल बालों वाला। और क्या है ये? लट है, तो मैंने इसको क्या कहा? कैटरपिलर कहा। क्या कहा? कैटरपिलर। और ये वही चीज है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? कातरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कातरा। अगर बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम क्या लिखते हैं? एम सेक्टा मूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम सेक्टा मूरी। और दूसरी जो है अपने पास वो कौन सी है? एम सेक्टा एल बी स्ट्राइगा। कौन सी है? अरे स्ट्राइगा याद मत कर लेना सिर्फ इसके अंदर की। सर ने स्ट्राइगा बता दिया, स्ट्राइगा नहीं है, एल बी स्ट्राइगा है। ये कहाँ पे मिलती है? तो हम कहेंगे उत्तर भारत में। और ये कहाँ मिलती है? तो हम कहेंगे दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। कौन? रेड हेरी कैटरपिलर। दोनों जो है वो एक ही, लेकिन प्रजातियां अलग अलग है। क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल पर पूछा हुआ है। ओके, एम सेक्टा मूरी और एम सेक्टा एल बी स्ट्राइगा। ओके, युवराज जी कह रहे हैं कातरा है, बिल्कुल सही है इसके अंदर। मोहित जी एम सेक्टा मूरी, बिल्कुल सही है। प्रयाग जी कह रहे हैं कि इसमें सी ऑप्शन जाना चाहिए। अरे सुन तो लो क्वेश्चन क्या है, कि ये जो हमारा रेड हेरी कैटरपिलर है इसका क्या प्यूपा, किसकी बात कर रहे हैं? कोशावस्था की बात कर रहे हैं। इसका जो प्यूपा है वो कहाँ पर रहता है? जरा ध्यान दे, यहाँ पर है सर, सॉइल में लार्वा रहता है। हाँ बिल्कुल, सॉइल के अंदर लार्वा रहता है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। चलिए बात करें, पहला दिया है प्लांट रेसिड्यू, दूसरा फ्रूट, तीसरा सीड और चौथा सॉइल। जल्दी से आंसर दें इसके अंदर। पराग जी कह रहे हैं सी ऑप्शन जाना चाहिए, करीना जी कह रहे हैं डी ऑप्शन। ओके, फिर रितेश जी कह रहे हैं कि सर ए ऑप्शन प्लांट रेसिड्यूज के अंदर रहता है। किट्टू जी कह रहे हैं सर नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच किट्टू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सारे जो है यहाँ पर बैठे हुए सब ये बहुत सेल्फिश लोग हैं, ये आराम से बैठकर क्लास का मजा ले लेते हैं, लेकिन लाइक करने में जोर आता है इनको। एक बार भी किसी ने लाइक नहीं करा अभी तक क्लास को। अगर सच में इतनी अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक बार लाइक तो कर दो, कम से कम मुझे भी पता लगे कि कितने लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं सच के अंदर की। हाँ हमें अच्छी लग रही है क्लास। मैं तो ये सोचता हूँ क्लास लेने के बाद कि बच्चों को पसंद ही नहीं आया, उनको अच्छा ही नहीं लगा क्लास, इसीलिए क्या पता 5-10 लाइक किसी ने कर दिए हो, थोड़ा सा गरीब जानकर के बेचारे सर आते हैं तो कर देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता है, इतना बुरा पढ़ाता हूँ मैं, है ना। चलिए अगर सही में अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दो एक बार, है ना। चलिए बात करें बेटा क्या आंसर यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, 5 बार त्वचा निर्मोचन सर मना किया, किसने मना किया? मैंने नहीं करा कभी भी। चलिए आंसर जो है इसका वो क्या है बेटा? सॉइल, इसका जो हमारा प्यूपा है, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा हुआ है? प्यूपा पूछा हुआ है बेटा, यहाँ पर लार्वा के बारे में नहीं पूछा हुआ है। ओके, प्यूपा जो है वो कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है। बात करें कितनी गहराई पर रहेगा, तो हम कहेंगे 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक ये सॉइल के अंदर रहता है। और जब हम बात करते हैं किसकी? डीप समर प्लोइंग की। किसकी बात करोगे? डीप समर प्लोइंग की हम बात करते हैं, हमारे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की बात करते हैं, तो वो भी 30 सेंटीमीटर तक की जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैनेजमेंट का है वो क्या है? डीप समर प्लोइंग। इसके साथ साथ एक और मैनेजमेंट का तरीका है, वो ध्यान रखना काम आएगा इसके अंदर। हम क्या करते हैं, खेत के चारों ओर नालियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नालियां जो है वो बनाते हैं, और उसके अंदर इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, तो ये जो है इसके नियंत्रण में काफी सहायक होता है। ओके सर, अब करेगा तो अनलाइक हो जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक बार अनलाइक करके फिर वापस दबा दो, हो जाएगा लाइक। चलिए लाइक और शेयर महाकाल की कृपा से, महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। चलिए सर बेस्ट पढ़ाते हो डीजे पंडित जी, पंडित जी मक्खन लगा रहे हो आज तो, है ना, बेस्ट पढ़ाते हैं। चलिए लाइक एक बार ही होता है, अरे कोई बात नहीं, तो आपके पड़ोसी जो हैं उनसे तो वापस लाइक हो सकता है ना। चलिए ट्रेंचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही सर, मैं 2 बार लाइक किया है, अरे तीसरी बार और कर लो, डिसलाइक हो जाएगा नहीं तो। चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे कि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, नहीं लग रही है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी, नहीं करना है मत कीजिए, अनलाइक करना है तो अनलाइक कर दीजिए। चलिए अडल्ट्स ऑफ व्हाइट ग्रब कम्स आउट ऑफ द सॉइल इन, व्हाइट ग्रब के जो अडल्ट हैं उनके जो वयस्क हैं वो जमीन से बाहर कब आते हैं, कौन से समय पर आते हैं सफेद लट के वयस्क?
क्या फरवरी मार्च में आते हैं, क्या जून जुलाई में आते हैं, क्या नवंबर दिसंबर में आते हैं या सितंबर अक्टूबर में आते हैं, जल्दी से बता दीजिए मुझे यहाँ पर। ओके संजय जी कह रहे हैं हाँ नारू भैया, हाँ नारू भैया तो हमारे आज यहीं पर बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 5 बार कर दूंगा लाइक सर। अरे इतना मत करो, बस काफी है, अब रुलाओगे क्या मुझे। चलिए मोहित जी कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा सर इसके अंदर। दीपक जी कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा, जून जुलाई। ओके हीरा जी ने आंसर दे ही दिया, इन्होंने कहा सर जी इसके अंदर सी ऑप्शन सही होगा। ओके फिर बात करें यहाँ पर, सोन जी कह रहे हैं बी ऑप्शन। फिर संजीव जी आए, उन्होंने कहा कि सर सी ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होगा वापिस, कौन सा, नवम्बर दिसंबर। ओके चलिए फिर बात करें और जो है वो आंसर कह रहे हैं, मनत कौर जी जो है वो आ गए हैं, स्वागत है आपका। फिर सितंबर अक्टूबर में निकलेगा, डुकिया जी कह रहे हैं। ओके फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास आ गया। अरे मैंने अभी तो बताया था, कहाँ भूल जाते हो, ये जो सफेद लट दिख रही है ना ये बहुत हानिकारक है, बहुत दुष्ट जीव है। इसका जो वयस्क है वो वयस्क कितने नामों से जाना जाता है, 3 नामों से जाना जाता है, अभी तो बताया था। एक तो हम उसको क्या बोलते हैं, मई बीटल कहते हैं, क्या कहते हैं, मई बीटल कहते हैं। दूसरा हम उसको क्या कहते हैं, जून बीटल कहते हैं। और तीसरा हमने क्या कहा उसको, पॉक चैफर बीटल कहा, क्या कहा, पॉक चैफर बीटल। तो इसका मतलब ये कब निकल रहा है जमीन से बाहर, मई जून के समय पर निकल रहा है। क्या कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, मई जून तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन जून तो दिख रहा है ना। तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा सर, मैं जून में बोलते हैं। ओके बिल्कुल सही है, आप ही बताओ सर, बता दिया बेटा मैंने यहाँ पर। ओके होलो ट्री क्या, कौन सी गुनिया, चलो सही बताया बेटा। ये जो व्हाइट ग्रब है ना इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होलो ट्री किया कॉन्सेंग्विनिया। ओके चलिए नेक्स्ट यहां पर सर, एक बार नारू भैया को दिखा दो ना प्लीज, इतनी याद आ रही है नारू भैया की। ओके नारू भैया को अभी दिखाते हैं, नारू भैया को हाजिर किया जाए। नारू भैया ने मना कर दिया, कह रहे अभी नहीं आ रहा मैं, बिजी हूं, थोड़ी देर बाद आएंगे। चलिए नेक्स्ट पूछा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्राम पॉट बोरर कैन बी डन बाय, ग्राम पॉट बोरर जो है उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या पूछा है, जरा ध्यान से सुनना। बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा है बेटा इसके अंदर कि चने का फली छेदक जो है उसका जैविक नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, एनपीवी, बीटी कॉटन, फेरोमोन ट्रैप या ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका। ओके पराग जी कह रहे हैं ए ऑप्शन आएगा, विनोद जी कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। फिर इसके बाद ग्राउंडनट में खतरनाक है, बिल्कुल ग्राउंडनट में व्हाइट ग्रब जो है वो काफी खतरनाक होता है। पराग जी कह रहे हैं ए, मनत कौर जी कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही होगा, एनपीवी होगा सर इसके अंदर। ओके कालू राम जी यादव आए हैं, वो कह रहे हैं ए ऑप्शन सही होगा। संजय देसी ब्लॉग जी कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव जाना चाहिए। डुकिया जी कह रहे हैं सर ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। ओके किसान एग्रो कह रहे हैं लाइक कर दो, नहीं तो हरे राम सर गब्बर को ले आएंगे। अरे नहीं लाएंगे किसी को, डरो मत। ओके चलिए फिर बात करें यहाँ पर और भी, बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं लगभग लगभग कि ए ऑप्शन जाएगा, पर ज्यादातर कंफ्यूजन जो है वो डी ऑप्शन के साथ हो रहा है कि सर यहाँ पर अंकित सर की क्लास कब होगी। अंकित सर की क्लास जो है वो कल शायद ही हो पाई, कल नहीं हो पाएगी ना, परसों के दिन होगी उनकी क्लास। ओके चलिए फिर बात करें यहाँ पर, हमारा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इसके साथ कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है जरा ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं हम, एनपीवी, एनपीवी का पूरा फुल फॉर्म जो है वो क्या है बेटा, हम कहते हैं न्यूक्लियर पॉली हाइड्रोसिस वायरस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर पॉली हाइड्रोसिस वायरस। दूसरा हम बात करें बीटी कॉटन, सभी जानते हो इसको बैसिलस थुरिंजेनेसिस से बना हुआ कॉटन है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस नहीं है। अगर यहाँ केवल बीटी दिया होता ना तब हमारा आंसर ये भी हो जाता। थर्ड हमको दिया हुआ फेरोमोन ट्रैप, तो फेरोमोन ट्रैप में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, मादा जनन हार्मोन का यूज कर रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपने पास बचा कौन, केवल एनपीवी। हमारा सही आंसर क्या होगा इसके अंदर, एनपीवी जो है वो इसके अंदर सही आंसर माना जाएगा। रीजन ध्यान रखना, यहाँ पर बीटी कॉटन दिया है, केवल बीटी नहीं दिया है। अगर बीटी दिया होता तो वो बैक्टीरिया हो जाता, हमारा आंसर होता, लेकिन बीटी कॉटन दिया है तो कॉटन की बात कर रहा है, वो कोई जीव नहीं होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ये लार्वा दिख रहा है सबको, अरे दिख रहा है ना सबको,
लार्वा दिख रहा है, ये जो लार्वा ये उल्टा लटका हुआ ये भी दिख रहा है। हाँ सर, ये पत्ती से लटका हुआ है ना, ठीक है, ये पत्ती से लटका हुआ जो लार्वा दिख रहा है जिसका कलर डार्क हो चुका है, इस डिजीज का नाम जो है वो जरा ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं ट्री टॉप डिजीज। क्या कहते हैं इसको? ट्री टॉप डिजीज। और ये ट्री टॉप डिजीज जो है ना ये किसकी वजह से होती है, तो ध्यान रखना हमेशा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस की वजह से होती है। जब ये एनपीवी जो है ये इसके द्वारा इंटेक कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, पेड़ पर सबसे ऊपर की ओर चढ़ जाता है जय की तरह, और उसके बाद फिर यहां से उल्टा लटक कर अपनी जान दे देता है, ठीक है, किसके लिए? बसंती के लिए, ठीक है। तो ये जो लार्वा है ये यहाँ पर पौधे पे सबसे ऊपर वाली पत्ती है, सबसे ऊपर वाली डाल पर चढ़कर ये वहां से क्या करता है, अपने सलाइवा के थ्रू वहां पर लटक जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्री टॉप डिजीज कहते हैं। ये किसकी वजह से होगा? एनपीवी की वजह से होगा, इसके अलावा किसी की वजह से नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। ओके यस सर, तो बिल्कुल सही है, प्ररोह छेदक हम इसको कहते हैं, बिल्कुल सही। सभी लाइक एंड शेयर करो, संजय जी कह रहे हैं, ठीक है, संजय जी की बात मान ली जाए। चलिए नेक्स्ट बात करें, हु डिस्कवर्ड बीटी कॉटन। क्वेश्चन क्या पूछा है? बीटी कॉटन किसने खोजा था? क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है, चार नाम दिए हुए हैं बेटा। एक दिया है हमें इवेनोवास की, एक दिया हुआ है बटलर, ये बटलर कौन से हैं? ईजे बटलर। तीसरा दिया हुआ है ईशी वाटा, और चौथा दिया है जी एस कुश। जल्दी से बता दे बेटा क्या आंसर जो है इसका सही होगा। ओके, जान दे दी बसंती पराग जी, हाँ दे दी बेटा उसने जान, पर एनपीवी से परेशान होकर। चलिए नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर जल्दी से आंसर दे दो, यहां पर दे रहे बेटा अनिल जी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। ओके, इसके अलावा शिवानी जी कह रहे हैं, अनूप जी कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, मोहित मेहता जी कह रहे हैं डी ऑप्शन, जीएस खुश। अरे कहां जा रहे हो तुम, मैं तो ये सोच नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था इसमें कंफ्यूज हो गए, तुम तो यहाँ कंफ्यूज हो गए। अरे जीएस खुश कौन थे? इसका मतलब तुम्हें एक नहीं दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कालूराम जी कह रहे हैं कि सर फोर्थ ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा देखो इसके अंदर, ठीक है। हमारा जो सही आंसर है वो कौन है? ईशी वाटा। कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जापान के। इन्होंने रिसर्च चालू करी थी बीटी पर, और इन्होंने बताया था कि इस तरह से बीटी का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद जो है हमारी एक कंपनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे मेरी कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं मेरी कह दो, ये मोनसेंटो जो कंपनी थी कहां पर थी? यूएसए में थी। कहां पर थी? यूएसए में। वहां पर इन्होंने सबसे पहले बनाया किसको? बीटी कॉटन की पहली वेराइटी जो थी कौन सी? बॉल गार्ड फर्स्ट। किसको बनाया इन्होंने? बॉल गार्ड फर्स्ट जो है इसको बनाया। अभी मार्केट में बात करें तो बॉल गार्ड सेकंड आ चुका है, ठीक है। तो ये बॉल गार्ड फर्स्ट जो है इन्होंने बनाया था। ये जो जीएस खुश जिसके साथ तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्होंने क्या बनाया था? सुपर राइस बनाया था। क्या बनाया था? सुपर राइस, ठीक है। इन्होंने बीटी कॉटन नहीं दिया था, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, मोनसेंटा नहीं है, मोनसेंटो है बट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मस्टर्ड इज, मस्टर्ड का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है जो सब कुछ नष्ट करने पे तुल जाता है, क्षतिकारक है। चार ऑप्शन दिए बेटा, एक दिया है फली छेदक या पॉड बोरर, दूसरा दिया है सफेद लट या व्हाइट ग्रब, तीसरा हमें दिया है एपिड या मोइला, ओके, और फोर्थ जो है वो हमें यहां पर दिया है कौन सा? व्हाइट ग्रब या हम कहें सफेद लट जो है वो इसके अंदर आएगा बेटा, व्हाइट लट है, ओके, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? सफेद मक्खी, ओके, व्हाइट फ्लाई जो है वो यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बता दो मेरे को। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि सारे आंसर दो जल्दी से, इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, जिसने गलत किया है इसका आंसर उसको इनाम दिया जाएगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। हाँ, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे खतरनाक कीट है वो कौन सा है? चलिए, पॉड बोरर ग्राम में है, बिल्कुल सही है, पॉड बोरर ग्राम में। सभी ने आंसर सी दिया है तो गलत कैसे कह सकता हूँ बेटा, आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, कौन सा? एफिड है। कौन सा है? एफिड। लेकिन यहां पर आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये एफिड नहीं है,
ये क्या चीज है? ये व्हाइट फ्लाई है। क्या है ये? व्हाइट फ्लाई। ये डायग्राम इसलिए लेके आया, मैं कहा बच्चों ने देखा नहीं देखा कभी व्हाइट फ्लाई कैसी होती है, मैं कहा एक बार बता तो दे ये व्हाइट फ्लाई है, तो इसको ध्यान से देख लो, निहार के अच्छे से देख लो, घूर घूर के देख लो, ये क्या है? व्हाइट फ्लाई है, इसको भूलना मत। व्हाइट फ्लाई जो है ये हमारे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसका क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर, या हम कहें वाहक होता है। जितने भी वायरस होते हैं उन वायरसेस का क्या होता है? इंपॉर्टेंट वाहक है। जैसे टमाटर का पर्ण कुंचन रोग है, भिंडी का पीट शीरा मोज़ेक रोग है, उन सभी के लिए वाहक का काम करता है, इसीलिए ये चीज जो है वो यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर अगला हमसे क्वेश्चन पूछता है, विच केमिकल इज नॉट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बेर फ्रूट फ्लाई। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बेर की जो फल मक्खी है, उस बेर की फल मक्खी के लिए उपयोगी रसायन जो है वो कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास है, इमिडा क्लोप्रेड, क्विनाल फॉस, डाइमिथोएट या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। रेड लेडी बीटल। ओके, रेड लेडी बीटल है, जैविक नियंत्रण के लिए बिल्कुल सही है, वो भी हम करते हैं। लिपाफिस एरिसाइथी, एरिसाइमी जो है। ओके सर हमारा, ओके व्हाइट फ्लाई है। अगर उसके अंदर व्हाइट फ्लाई है तो करना कुछ नहीं है आपको, उसके अंदर सिंपल सा जो है वो डस्टिंग करनी है। किसकी? राख की, जो हमारे लकड़ी की राख होती है उसकी डस्टिंग कर दो, व्हाइट फ्लाई जो है उससे काफी कंट्रोल होती है। ओके, क्लास कब से चल रही है? मुझे भी पता नहीं कब से चल रही है। कब से चल रही है क्लास? 9 बजे से चल रही है बेटा, देखो 9 बजे से क्लास चल रही है, आप कहाँ थे इतनी देर। चलिए यहाँ पर सभी जो है वो आंसर दे रहे हैं कि सर बी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। विनोद जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, पराग जी कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा। ओके करीना जी, ओके कालू राम जी, ये नारू भैया हंस क्यों रहे हैं? चलिए बात करें, अनिता जी, राणा जी, सभी जो है वो कह रहे हैं कि सर बी जो है उसको लॉक किया जाए। युवराज जी कह रहे हैं सर ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। इसका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है वो कौन सा है? बी ऑप्शन कौन सा है? क्विनाल फॉस। बात करें कि ये क्विनाल फॉस क्या है, तो ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। कैसा है? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, स्पर्श कीटनाशी। लेकिन इमिडाक्लोप्रिड जो है ये कैसा है? सर्वांगी कीटनाशी है। किसका है? सर्वांगी कीटनाशी। डाइमिथोएट की बात करें तो ये भी कैसा है? सर्वांगी कीटनाशी होता है। ओके, और हमने अभी बात करी थी कि हमारे जो रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, मोइला या मिलीबग, और उसके साथ साथ बेर की फल मक्खी, उनके लिए हम सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग करते हैं, तो कौन सा नहीं करते? तो बचा कौन सा? कॉन्टैक्ट, मतलब क्विनाल फॉस जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ओके, डायग्राम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे साथ यहां पर। ओके, कृपा दो लोगों की कर दी जाए। ओके, कृपा आप पर हमेशा बनी रहे सबकी। चलिए फिर बात करें, दिनेश कुमार जी कह रहे हैं बी ऑप्शन। अरे हो गया, आंसर आ गया, एक बार देख लो इसको। ये जो हमारे सामने है ये कौन है? बेर की फल मक्खी है। कौन है? बेर की फल मक्खी है। बड़ी सुंदर सी मक्खी जो है ये दिखाई देती है। कौन से गण की है? याद रखेंगे बेटा, कौन से गण की है? डिप्टेरा की है। कौन से गण की है? डिप्टेरा की। ओके, डिप्टेरा के अंदर ही घरेलू मक्खी आती है, और ये घरेलू मक्खी की बड़ी बहन कौन? बेर की फल मक्खी। ये भी किसके अंदर? डिप्टेरा के अंदर। अरे इसी साल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ओके, इस साल नहीं, पिछले साल, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था जेट के अंदर कि ये जो फल मक्खी है ये मुख्य कीट किसका है, तो आंसर क्या गया था? बेर। ओके, डिप्टेरा का कीट है। बात करें क्या नाम है इसका, तो हम कहेंगे कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या नाम है इसका? कार्पोमिया वेसुवियाना जो है वो इसका नाम होता है। खास बात ये है, जरा देखना यहाँ पर फल दिख रहे हैं, इसके अंदर इस तरह के धब्बे दिख रहे हैं ना, है ना? ये धब्बे या फिर छोटे छोटे गड्ढे जो है ना, ये किसकी वजह से है? ये जो इंसेक्ट है हमारा, ये क्या करता है? इसकी त्वचा के अंदर अपने अंडे देता है। कितनी गहराई पर देगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर लगभग लगभग 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच में क्या करता है? ये अपने अंडे देता है। 1 से 2 मिलीमीटर के बीच त्वचा के अंदर अंडे देगा, और वहां पर क्या बनते हैं? मैगट बनते हैं। क्या बनते हैं? मैगट। और मैगट ऐसा लार्वा है जिसके पैर नहीं होते हैं, जिसमें पैर नहीं होंगे, उसको हम मैगट कहते हैं। तो वो मैगट बनते हैं, और वो अंदर से किस भाग को खा जाते हैं? तो हम कहेंगे बेर का खाने योग्य कौन सा भाग है? जल्दी से बताओ कौन सा भाग है? मीजोकार्प। कौन सा?
मीजोकार्प, एंडोकार्प तो बाहर आ गया ना उसकी गुठली के, तो एंडोकार्प नहीं खाते, कौन सा खाएंगे? मीजोकार्प और एक्टोकार्प खाते हैं। तो एक्टोकार्प तो बाहर है जिस पर लक्षण दिख रहे हैं, तो हम मीजोकार्प जो है उसको मैगट पूरा खा जाते हैं, और फिर जो है उसके अंदर ये प्यूपा अवस्था जो है वो पाई जाती है। प्यूपा कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कहाँ पर मिलेगा? मृदा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मृदा में। जैसे ही इसका लार्वा जो है वो परिपक्व होगा, तो ये मृदा के अंदर जाकर फिर क्या करता है, अपने प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होता है। ओके सर, हमारे टोमेटो एकदम से मुरझा कर गिर गए हैं, बताइए क्या करें इसके लिए? ओके, तो पहली चीज तो चेक करें कि उसके अंदर पानी पर्याप्त है या नहीं है। दूसरा, अगर पानी अच्छे रूप से आप दे रहे हैं, तो उसके बाद आपको उसके अंदर एक छोटी सी चीज करनी है। वो क्या है कि उसके साइड से थोड़ा सा खोद कर उसको देखें कि जड़ें जो है वो नुकसान हुई है या नहीं हुई है। अगर जड़ों पर कोई नुकसान दिख रहा है, कोई उसके अंदर खड्डे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब चींटी या दीमक का प्रकोप है। और अगर वो नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर वो केवल मुरझा रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल मुरझा गई है, लटक सी गई है, सूखा नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब उसके अंदर विल्ट की दिक्कत है। ओके, चलिए, सूत्रकृमि भी हो सकता है, सूत्रकृमि हो सकता है, लेकिन टमाटर अगर घर पे लगा रखे तो उसके अंदर सूत्रकृमि नहीं होगा, खेत के अंदर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मीजो और पेरिकार्प बिल्कुल सही है इसके अंदर। कन्हैया जी कह रहे हैं प्रणाम सर जी, प्रणाम आपको। ओके, मैगट खतरनाक स्टेज है, बिल्कुल मैगट ही खतरनाक स्टेज है बेटा। मीजोकार्प कौन खा रहा है? मैगट ही तो खा रहा है। वयस्क जो है मक्खी, वो वैसे किसी को काट नहीं पाती है, मक्खी जब काटती है तो गुदगुदी होती है, दर्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इसके अंदर, हु एक्सपेरिमेंटेड द यूज ऑफ गामा रेडिएशन ऑन इंसेक्ट, मतलब निम्न में से चार जो आपको वैज्ञानिक दिए हैं, इनमें से वो कौन था जिसने सर्वप्रथम गामा किरणों का प्रयोग किया था कीट नियंत्रण के लिए? तो चार नाम है बेटा, एक तो है इशिवाटा, एक है स्मिथ, तीसरा है निपलिंग और चौथा है एच सी मूलर। जल्दी से बता दीजिए। ओके विनोद जी, यहाँ पर मोहित मेहता जी कह रहे हैं खेत में है, खेत में है तो इतना चेक करें, निमेटोड अगर डिजीज होगी तो पौधे एक ही जगह से चार पांच चले जाएंगे, और निमेटोड नहीं होगा तो अलग अलग जगह से पौधे सूखने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, इसको चेक करें एक बार। ओके चलिए जल्दी से बता दो। यहाँ पर रितेश जी कह रहे हैं सर एच सी मूलर है, उसने किया था। ओके सी ऑप्शन राइट है, सोनम जी कह रहे हैं ठीक है। और इसके अलावा ओके डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं, करीना जी कह रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके अलावा पंडित जी कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा। ओके बालू जी कह रहे हैं विल्ट, हाँ विल्ट हो सकती है, मैंने बता दिया उनको। अनिल जी कह रहे हैं कि एच सी मूलर सही होगा। मनत कौर जी कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, एच सी मूलर। अरे बेचारे के पीछे क्यों पड़े हुए एच सी मूलर के, क्या बनाया था इसने सबसे पहले? एच सी मूलर कौन था, नाम सुना है क्या इसका? कहीं नहीं सुना क्या? कोई बात नहीं, किसका सुना है? निपलिंग का। किसका नाम सुना है? निपलिंग का। ये जो साइंटिस्ट था उसने एक इंसेक्ट था, कौन सा? स्क्रू वर्म। कौन सा था? स्क्रू वर्म। उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो गामा किरणों का प्रयोग किया था, और इसने ये पता लगाया था कि गामा किरणें जब किसी भंडारित अनाज में से पास की जाए जहां पर स्क्रू वर्म है, तो जो नर कीट होते हैं वो बांझ हो जाते हैं, उस वजह से उनका नियंत्रण जो है वो होता है। उन्होंने यहाँ पर इस चीज के बारे में हमें बताया था। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है सिस्टोसर का ग्रे एरिया, किसका नाम है? सामने दिख रहा है बेटा, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिस्टोसर का ग्रे एरिया, किसका वैज्ञानिक नाम होता है? जल्दी से बता दीजिए। रुडोल्फ निपलिंग है, बिल्कुल वही है निपलिंग। ओके पहला दिया है बॉम्बे लोकस्ट या बम्बैया टिड्डी, दूसरा दिया है डेजर्ट लोकस्ट रेगिस्तानी टिड्डी, तीसरा दिया है माइग्रेटरी लोकस्ट प्रवासी टिड्डी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से बता दें। ओके अल्फा रेडिएशन यूज किया था एच सी मूलर ने, ओके गामा किरणों का नहीं किया था। चलिए बी ऑप्शन, अनूप धाकड़ जी कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन होगा डेजर्ट लोकस्ट। इसके बाद बात करें और क्या आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बता दें। ओके रोहित जी, अनीता जी, करीना जी, संजीव जी सभी कह रहे हैं बी ऑप्शन, सोनम जी, मोनिका जी कह रहे हैं कि बी ऑप्शन है इसके अंदर। ओके चलिए तो इसका मतलब, इसका आंसर जो है वो हम सभी जानते हैं, क्या नाम है इसका? डेजर्ट लोकस्ट या रेगिस्तानी टिड्डी। क्या नाम है? सिस्टोसर का ग्रेगेरिया। बात करें इसके अंदर बॉम्बे लोकस्ट जो है इसका नाम क्या है, तो हम क्या कहते हैं इसको? पतंगा सक्सिंगटा। क्या कहते हैं इसको?
पतंगा सक्सिंगटा जो है वो इसका नाम होगा। और बात करें माइग्रेटरी लोकस्ट की, तो माइग्रेटरी लोकस्ट के लिए सिर्फ नाम को उल्टा कर दो, नाम आ जाएगा। क्या नाम है? लोकस्टा माइग्रेटोरिया। क्या नाम है? लोकस्टा माइग्रेटोरिया जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओके, आप जो ये अपने सामने देख रहे हैं बेटा, ये क्या है? रेगिस्तानी टिड्डी है। क्या है ये? रेगिस्तानी टिड्डी। जब ये वयस्क रूप में आ जाती है, पूर्ण वयस्क रूप में, उस समय पर इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? हल्का भूरा और पीले रंग का हमें दिखाई देने लगता है। कई बार जो है वो गुलाबी रंग के बड़े टिड्डे जो है वो भी दिखाई देते हैं। इसकी जो पिछली टांगे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था ये किस टाइप की होती है, तो हम कहेंगे ये जंपिंग टाइप की होती है। और वैसे भी दिख रहा है ना, इन्होंने मसल्स बना रखी है पिछली टांगों की, तो ये कूदने के काम तो आ ही जाएगी। चलिए, नहीं राम जी के घोड़े, अरे राम जी के घोड़े नहीं है ये, लोकस्ट है, ये लंका के मगरमच्छ है। ठीक है, ये अगर एक बार खेत में आ गए तो पूरा खेत बर्बाद करके ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर है, मैं लेता हूं आपका नाम। क्यों लेते हैं बेटा, मेरा नाम मत लिया करो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट बिलोंग्स टू द ऑर्डर आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा ऑर्डर का कौन सा कीट यहां पर दिया हुआ है? चार ऑप्शन सामने है हमारे, कौन कौन से? पहला फ्रूट फ्लाई, दूसरा दिया है व्हाइट फ्लाई, तीसरा दिया मस्टर्ड एफिड, चौथा दिया टर्माइट। जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। एग्री बिजनेस स्पॉट कह रहे हैं जंपिंग टाइप, बिल्कुल सही है, जंपिंग टाइप उसका आंसर था। नेक्स्ट बात करें इसका आंसर बता दीजिए। रितेश जी कह रहे हैं सर टर्माइट होगा। बी के बोस गेमिंग कह रहे हैं कि सर इसके अंदर दीमक आएगा। ओके, श्वसन अंग ट्रैक किया होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन होगा। काजल जी कह रहे हैं डी ऑप्शन। ओके, फिर पराग जी, हेमलता जी, मनत कौर जी, ओके, करीना जी, सुरेश, रितेश जी, ओके, सभी जो है वो यहाँ पर आंसर क्या दे रहे हैं? डी टर्माइट जो है वो सही आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या है? टर्माइट। टर्माइट किससे बिलोंग करता है? तो हम कहेंगे आइसोप्टेरा से। किससे बिलोंग करता है? आइसोप्टेरा से। दूसरा हम बात करें मस्टर्ड एफिड, तो ये किससे बिलोंग करेगा? हेमिप्टेरा से। किससे बिलोंग करता है? ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का है। व्हाइट फ्लाई की बात करें तो ये भी कौन से ऑर्डर का है? हेमिप्टेरा का है। किसका है? हेमिप्टेरा। लास्ट बात करें फ्रूट फ्लाई, तो अभी हमने बात करी थी कौन सा? डिप्टेरा। किसका इंसेक्ट है ये? डिप्टेरा का इंसेक्ट होता है। ओके, इसके अंदर मोनिलिफॉर्म श्रृंगिकाएं होती है, बिल्कुल सही है। चलिए, यहां पर आप सामने जो डायग्राम देख रहे हैं, अच्छा इनके नाम है क्या? नाम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीमक की, तो इसके नाम देख ले बेटा। एक नाम तो क्या है इसका? अंडे देने वाली मशीन। क्या बोलते हैं इसको? अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये एक सिंगल डे में, एक दिन में कितने अंडे दे देती है? लगभग 70,000 से 80,000 अंडे दे देती है एक दिन में, 24 घंटे में। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अंडे देने वाली मशीन। दूसरा हम इसे क्या कहते हैं? सेलुलोज का शत्रु। किसका शत्रु? सेलुलोज का शत्रु कहा जाता है इसको, एनिमी ऑफ सेलुलोज भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा हम इसे क्या कहते हैं? सफेद चींटी कहते हैं। और क्या नाम देते हैं इसको? सफेद चींटी, व्हाइट आंट कहा जाता है इसको। ठीक है, यहां पर डायग्राम में आप जो देख रहे हैं ये कौन सा कीट है जरा बताना मेरे को, किसी को पता है क्या? जल्दी से बताओ। ओके, हेमलता जी बिल्कुल सही है, 70,000 to 80,000 एग्स पर डे, बिल्कुल सही है। ओके, 17,000 से 80,000, 17,000 नहीं हो, 70,000 है। ओके, 70,000 है। ओके सर, मेरी बुक में लैग क्या हो रही है? अच्छा, कोई बात नहीं। फिर हम बात करें यहाँ पर दूसरा दिया है एग्स पर डे, ठीक है, व्हाइट आंट कहा जाता है। ये जो यहाँ पर आपको इंसेक्ट दिख रहा है बेटा, ये कौन है? टर्माइट। ये दीमक है। कौन है ये? दीमक। अब आप कहेंगे सर ये दीमक कैसे हो सकते हैं? दीमक के पंख थोड़ी होते है ना? दीमक के पंख नहीं होते, गलत है, दीमक के पंख होते हैं। बट जैसे ही आप बारिश होती है, बारिश का सीजन चालू होता है, आप देखते होंगे कि कुछ कीट जो है वो घर के अंदर मंडराने लगते हैं, जो चींटी जैसे होते हैं, और सुबह होते ही हम देखते हैं कि केवल पंख रह जाते हैं और वो कीट गायब हो जाते हैं। वो कीट कौन है? वो टर्माइट है, वो चींटियां नहीं होती है। हम कहते हैं चींटियों के पर निकल आए, वो चींटियां नहीं है। कौन है?
टर्माइट है, कोई तुमसे कभी कह दे चींटियों के पर आया तो उनको कह देना ये गलत है, साइंटिफिक बेसिस पे बात करो, वो टर्माइट है, चींटियों के पंख नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, दीमक है, ऐसा नहीं देखा है, कोई बात नहीं, ये हम हर बार बारिश के समय पर देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं था, आज पता लग गया है, आई होप इसे याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, अरे ये क्या हेलीकॉप्टर आ गया है, तो हाँ हेलीकॉप्टर है ना, हाँ चलो इसमें बैठ जाओ जल्दी से, सारे चलते घूमने। चलो कॉकरोच बिलोंग्स टू द ऑर्डर, कॉकरोच की बात कर रहे हैं बेटा, कॉकरोच जो है ये कौन से ऑर्डर का इंसेक्ट होता है, चार ऑर्डर दिए हैं, डिप्टेरा, डिक्टियोपेरा, ऑर्थोपेरा और ओडोनेटा, ठीक है जल्दी से बता दो। 70 फीट ऊंचाई है घर की, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर है अपने पास, आराम से चल जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे यहां पर। ओके आंसर आने लगे, संजय जी कह रहे हैं, अनुप जी कह रहे हैं कि सी ऑप्शन जाएगा सर, युवराज जी कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन जाएगा, ओडोनेटा। ओके फिर बात करें यहाँ पर, सोनम जी कह रहे हैं सी ऑप्शन, रितेश जी कह रहे हैं डी ऑप्शन। ओके चलिए सी और डी के अंदर कंफ्यूजन चल रहा है अभी, वही आ रहे हैं। ओके हेमलता जी कह रहे हैं डी ऑप्शन है, एग्री बिजनेस स्पोर्ट कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन है। ओके ड्रैगन फ्लाई, दीपक जी कह रहे हैं अरे हाँ ये ड्रैगन फ्लाई हमारा हेलीकॉप्टर है ये। ओके चलिए अनिता जी कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, बी के बॉस कह रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा, कालू राम जी कह रहे हैं फोर्थ, संदीप जी कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा। ओके जल्दी से देख ले बेटा यहाँ पर आंसर क्या है इसका, जो करेक्ट माना जाएगा आपके आरपीएससी के हिसाब से, अच्छा फोटो के हिसाब से ओडोनेटा है, अरे ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया है, इतना भी नहीं समझते हो तो। चलिए ये ओडोनेटा का है, इसका नाम क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई, क्या बोलते हैं इसको, अब बड़े हो गए हेलीकॉप्टर मत बोला करो, क्या नाम है इसका, ड्रैगन फ्लाई। ये कौन से ऑर्डर का होता है, ओडोनेटा का, किसका होता है ये, ओडोनेटा या ओडोनाटा कुछ भी कह दो, तो ओडोनेटा का इंसेक्ट है ये, इसकी डायग्राम फोटो इसीलिए लगाया ताकि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सके और तुम बन गए। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, रितेश जी हंसने लगे, तो इसके अंदर ओडोनेटा नहीं आएगा। और तो पेरा की बात करें तो इसके अंदर केवल टिड्डी और जो फड़का है ग्रास ऊपर वो याद रखना है, ठीक है गलत नहीं करना। डिप्टेरा की बात करें तो सर इसके अंदर तो मक्खियां आती है, कौन आता है, फल मक्खी, घरेलू मक्खी, बच कौन गया, डिक्टियोप्टेरा, याद रखना बेटा ये आंसर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन बात करें हम आरपीएससी की तो आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और आंसर डिक्टियोप्टेरा माना गया है, यही माना जाएगा। ओके फोटो लालच देती है, अरे इसीलिए तो कभी भी फोटो देख के शादी नहीं करनी चाहिए, फोटो लालच देती है, ठीक है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ ना, तो फोटो देख के कभी भी पसंद नहीं करना चाहिए किसी को। चलिए अब इससे हो गए ना कंफ्यूज, हेलीकॉप्टर ने कंफ्यूज कर दिया हमको। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अब वापिस एक और फोटो आ रही है, वापिस कंफ्यूज मत हो जाना। चलो बात करें, एमसेक्टा मुरी इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, अरे इसका आंसर तो मैं दे चुका हूँ, जल्दी से बता दो इसका आंसर बेटा, यही तो सोचा था बिल्कुल, सर एक बार नाम ले लो मेरा। ट्विंकल सुथार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लासेस के अंदर। अनूप धाकड़ जी कह रहे हैं कि सर ए ऑप्शन होगा, संजय जी कह रहे हैं ए ऑप्शन होगा। ओके यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं कि 100%, मोनिका मेहता कह रहे हैं ए ऑप्शन, फोटो ने लुटा दिया सर, कोई बात नहीं ऐसी गलती वापस नहीं करनी सर। अच्छा सर मैं बीवी को सोच रहा था, अरे बीवी को मत सोचा करो, क्या बीवी को क्यों सोचना है, बीवी तो हमेशा दिल के पास रहनी चाहिए ना, सोचने से क्या मतलब, सोचा तो दिमाग से जाता है, इसलिए आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, बिल्कुल सही, अभी हमने बात भी करी थी, क्वेश्चन डिस्कस करा था, एमसेक्टा मुरी जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा जो है वो कौन है, एमसेक्टा एलबी स्ट्राइगा, कौन सा है, एमसेक्टा एलबी स्ट्राइगा, ये कहाँ पर मिलता है, साउथ इंडिया में मिलता है, कहाँ पर मिलता है, साउथ इंडिया में। चलो बीबी का नाम आया है तो बीबी के लिए एक शायरी बोल दीजिए, अच्छा नहीं बोलूं क्या, ठीक है चलो आगे चलो, अच्छा बोल दे चलो ठीक है, ये तितली इतनी प्यारी है, बहुत पहले सुनी थी मैंने, अब मुझे याद नहीं हो तो पता नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी शायरी है, कि उनकी एक नजर से ही हम घायल हो गए, कि उनकी
एक नजर से ही हम तो घायल हो गए, ना जाने वो हर रोज आईने में चेहरा कैसे देखते हो। बस काफी इतनी, ये समझने वालों के लिए थी। ओके चलो खत्म भी हो गई सर, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये मेरे को शायरी आती भी नहीं इतनी अच्छी, वो तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैं कभी कभी। सर कल टेस्ट छे, कल टेस्ट नहीं छे भाया। ओके कल टेस्ट नहीं छे। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अभी हमने बात करी है, जिसके अंदर तीन अवस्थाएं मिलेगी। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं मिलेगी, उसे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। वापिस फोटो दिख रही है, लालच में मत आना, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ। ओके कौन सा इसके अंदर सही है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है? क्या वो रेड हेयरी कैटरपिलर है, RHC, ओके, या फिर लोकस्ट है, या फ्रूट फ्लाई है, या अनार बटरफ्लाई है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सर समझ में नहीं आए, दोबारा बोलो। अरे दोबारा कैसे बोले, रेडियो थोड़ी हूं मैं, बाद में सुनाएगा वापिस। काल टेस्ट कोनी भया, कोई बात नहीं सर, वो फोटो ही फर्जी है। अरे फोटो फर्जी नहीं है, फिल्टर यूज किया है, समझते नहीं हो तो, फोटो तो ओरिजिनल है। चलिए बात करें यहाँ पर क्या आंसर जाएगा, पहले आंसर दो, तुम बातें करने में लगा देते हो मेरे को। ओके आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, अनिता जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, भावना जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, रितेश जी बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल ओके, फिर अनिल जी भी कह रहे हैं बी ऑप्शन जाएगा सर इसके अंदर। बी के बॉस गेमिंग जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर फ्रूट फ्लाई सी ऑप्शन जाना चाहिए इसके अंदर। मनोज जी कह रहे हैं वाह सर, ओके थैंक यू सो मच, चलो किसी को तो अच्छी लगी। बी के बॉस वापिस कह रहे हैं सर सी ऑप्शन होगा, ओके अभी चेक कर लेते हैं। संदीप जी बोर कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन जाना चाहिए फ्रूट फ्लाई। भावना जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, सोनम जी, बलू जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, संदीप जी कह रहे हैं कि सी ऑप्शन होना चाहिए, अनिता जी कह रहे हैं बी ऑप्शन होना चाहिए। ओके फोटो पर मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ बेटा। संदीप जी कह रहे हैं वापस सी ऑप्शन, ओके जल्दी से इसकी बात कर लें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हम कहेंगे लोकस्ट होगा। क्या होगा? लोकस्ट। ओके बात करें RHC रेड हेयरी कैटरपिलर कौन से गण का कीट है? अरे बोलो तुम क्यों चुप हो, किसका कीट है ये? लेपिडोप्टेरा का। लेपिडोप्टेरों में कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं मिलता। फ्रूट फ्लाई की बात करें बेटा किसके अंदर आता है? डिप्टेरा के अंदर। किसके अंदर? डिप्टेरा। अभी तो ट्रिक याद कराई थी। बात करें अनार बटरफ्लाई, ये भी किसके अंदर आता है? लेपिडोप्टेरा। किसके अंदर? लेपिडोप्टेरा। लेकिन लोकस्ट जो है वो किसके अंदर आ रहा है? ऑर्थोप्टेरा के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? ऑर्थोप्टेरा। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? लोकस्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके चलिए अभी ये जो सामने दिख रहा है ना बेटा आपको, तो सॉरी दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? अनार बटरफ्लाई कहते हैं। क्या कहेंगे? अनार बटरफ्लाई। और मैंने दिख रही है क्यों कहा? क्योंकि ये फीमेल अनार बटरफ्लाई है। क्या है ये? फीमेल अनार बटरफ्लाई जो है वो है बेटा। मेल अनार बटरफ्लाई जो है ना उसका कलर कैसा होता है? स्पार्कल ब्लू, मतलब चमकीला नीले रंग का होता है, ठीक है। ये जो फीमेल अनार बटरफ्लाई है वो किस कलर की होती है? ब्राउनिश येलो कलर की होती है। और मेल कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ये अनार बटरफ्लाई की बात इसलिए कर रहे हैं, नाम ध्यान से याद रखना, अनार बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम जो है वो पूछा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडोरिक्स ओके। क्या कहेंगे? ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। क्या बोलेंगे? आइसोक्रेटस। ओके ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। अगर ये नहीं दिया हो तो फिर क्या करेंगे? वीराकोला आइसोक्रेटस। क्या कहेंगे? वीराकोला आइसोक्रेटस जो है वो कहा जाएगा। कौन से ऑर्डर का है? हमने अभी बात कर ली किसका है? लेपिडोप्टेरा का। कौन से फलों के अंदर नुकसान पहुंचा? तो नाम दे रखा बेटा अनार। अनार के साथ साथ ये अमरूद, बेर, सेब सबके अंदर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो हमारा इंसेक्ट है उसका जो प्यूपा है वो कहाँ पर रहता है? तो अनार का जो फल लगा हुआ होता है ना, जिससे जुड़ा हुआ है पौधे से, इसको हम पेडुंकल कहते हैं। इस पेडुंकल के ऊपर इसका प्यूपा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ओके ये फिडकली है, फिडकली नहीं है, ये तितली है। क्या है? तितली है। ओके चलिए वीराकोला आइसोक्रेटस बिल्कुल सही है, ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। ओके सर क्या है कनेक्शन बैंक कैसे मिलेगी? कौन सी कनेक्शन? अच्छा क्वेश्चन बैंक लिख रहे हो क्या? थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी कमजोर है,
कैसे मिलेगी सर? बिल्कुल यहाँ से आकर ले जाइए, और नहीं हो तो बिल्कुल आप ऑनलाइन जो है वो बुक कर सकते हैं, अमेजन जो है आपका उसके ऊपर आपको बिल्कुल वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, फल के अंदर कैलिक्स के ऊपर, ओके बिल्कुल, कैलिक्स पर तो अंडे देता है बेटा अनार बटरफ्लाई, कैलिक्स पर तो अंडे देती है, और उसका प्यूपा कहाँ रहता है? पेडुंकल पर रहता है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला हमें क्वेश्चन दिया है, एग्स ऑफ विच इंसेक्ट लुक सिमिलर टू ओपियम सीड, ऐसा कौन सा कीट है जिसके अंडे हमें पोस्त के बीजों के समान, मतलब अफीम के बीजों के समान दिखाई देते हैं, कैसे? हल्के पीले रंग के, कैसे दिखाई देते हैं? हल्के पीले रंग के, और कैसे हैं? गोल दिखाई देते हैं बिल्कुल। कौन सा ऐसा कीट है? चार ऑप्शन दिए हैं, आरएचसी रेड हेरी कैटरपिलर, दूसरा दिया है लोकस, तीसरा फ्रूट फ्लाई, और चौथा अनार बटरफ्लाई। जल्दी से बता दो। ऑसम क्लास सर जी, प्रतिभा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच आपका, ओके। फिर यहाँ पराग जी कह रहे हैं ए ऑप्शन जाएगा, भावना जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, करीना जी, युवराज जी, हेमलता जी, सभी कह रहे हैं ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। आंसर क्या जाएगा इसका? रेड हेरी कैटरपिलर, कातरा जो होता है ना उसके अंडे पोस्ट के बीजों के समान दिखाई देते हैं। दूसरा एक और यहीं पर याद कर लेना बेटा, जब हम लोकस्ट की बात करते हैं तो लोकस्ट के अंडे कैसे दिखाई देते हैं? चावल के दानों के समान, किसके समान दिखाई देते हैं? चावल के दानों के समान जो है इसके अंडे हमें दिखाई देते हैं, किसके? लोकस्ट के, रेगिस्तानी टिड्डी जो है उसके धोखे, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर अगला, हेडक्वार्टर्स ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, मतलब टिड्डी चेतावनी संघ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चार ऑप्शन अपने पास है बेटा, सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही है, इसी में से आंसर देना है हमें कि सर इसके अंदर जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, और अजमेर है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है, और ये वैसे सबको पता है, कोई इसे गलत नहीं करेगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर। रितेश जी ने कहा, नारू भैया ने कमेंट कर दिया है, जोधपुर है सर इसके अंदर। युवराज जी कह रहे हैं लोकस एग लाइक राइप सीड, बिल्कुल सही है इसके अंदर। विनोद जी कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। अनिता जी कह रहे हैं कि सर ए ऑप्शन होगा इसके अंदर, जयपुर के अंदर है, ओके। मोनिका जी कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन होगा, जोधपुर में 1939 में, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, सही क्या है, जोधपुर 1939 में इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो बनाए गए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के अंदर लोकस्ट कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उन सभी का पता लगाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, अगला, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट इज, मूंगफली का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है जो सबसे ज्यादा क्षतिकारक है, नाशक कीट है? चार ऑप्शन अपने पास है, क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं बेटा, शूट बोरर, व्हाइट ग्रब, एफिडिया, व्हाइट फ्लाई, जल्दी से बता दो इसका आंसर, ओके। भावना जी कह रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा, अनूप जी कह रहे हैं बी ऑप्शन जाएगा, संजय जी कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, व्हाइट ग्रब, ओके ओके, सभी कह रहे हैं कि बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है इसके अंदर। आंसर क्या है हमारा? व्हाइट ग्रब जो है या सफेद लट जो है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे नुकसानदायक कीट किसके अंदर? मूंगफली की फसल में, ओके। ये कहां पर नुकसान पहुंचाता है? तो हम कहेंगे जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, मूंगफली की जो जड़े हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा, यहाँ पर एक डायग्राम भी हमें दिख रहा है, डायग्राम के अंदर कौन बंद है? तितली बंद है। कौन बंद है? तितली। अरे इसको किसी ने किडनैप नहीं करा है, ठीक है, ये क्या है? प्यूपा है। क्या है ये? प्यूपा। तुम कहते हो नहीं सर आपने किडनैप कर लिया तितली को, नहीं करा मैंने, प्यूपा है ये तितली का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन मस्टर्ड एफिड, मस्टर्ड एफिड जो है उसमें कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है, एग, निम्फ, प्यूपा या अडल्ट? जल्दी से बता दो कौन सी अवस्था जो है वो सरसों के मोइला के अंदर नहीं मिलती है, ओके। रूट्स को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही पराग जी, एकदम सही है आपका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बता दो, फिर उसके बाद जाना भी है घर पे, ओके। पराग जी कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन जाएगा, निम्फ है। पुतिन जी आज कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल सही है इसके अंदर। युवराज जी कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर पूछा है इसके अंदर, पराग जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, बी के बॉस गेमिंग कह रहे हैं ए ऑप्शन जाएगा, सर अंडा नहीं मिलता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? चलिए महेश जी डामोर कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन, निम्फ जो है वो नहीं पाया जाता है,
ठीक है, चलिए सभी जो कह रहे हैं वो बी ऑप्शन है और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है? सही ऑप्शन है प्यूपा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जरा आंखें खोलो प्रभु और क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है? ये थोड़ी पूछा है कौन सी पाई जाती है, क्या पूछा है? नहीं पाई जाती है। तो मस्टर्ड एफिड के अंदर तुमने क्या सोचा पता है क्या है कि सर आपने बताया ये तितली का प्यूपा है, तो इस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के आगे डायग्राम बना हुआ है ना, फोटो कहाँ चिपका है, इस क्वेश्चन के आगे क्या लिखा हुआ है? प्यूपा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्यूपा, है ना, पहले ही कहा था मैंने फोटो से धोखा मत खाना, है ना। तो इसका आंसर क्या है बेटा? प्यूपा। आंसर तो बिल्कुल सही है, कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है तो आंसर सही है, बट जो अवस्था मिलती है वो कौन सी है? हमारी निम्फ है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान से पढ़ना था हमें, क्वेश्चन पूछा था नहीं पाई जाती है, अगर पूछता कौन सी अवस्था पाई जाती है अलग जो है वो दूसरों से, तब हमारा आंसर क्या जाता? निम्फ जो है वो सही जाएगा। सर सी देंगे तो फिर बेवकूफ बन जाएंगे, हमने सोचा भी था, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब बिल्कुल अच्छे से। सर आप कंफ्यूज कर गए, बिल्कुल मैं कंफ्यूज कर गया, ठीक है, पर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर देना होगा। एक बात जो है वो हमेशा याद रखना कि राह में कठिनाइयों को देखकर जो सर पकड़ लेता है, राह में कठिनाइयों को देखकर जो सर पकड़ लेता है वो इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे कई भी कठिनाइयां आए, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस मिल जाए, कोई बात नहीं, चाहे कितने भी धोखे मिले तुम्हें, चाहे प्यार में मिले, चाहे मोहब्बत में मिले, चाहे पढ़ाई में मिले, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी मत भूलना। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? इस जीवन को चलाना और इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को उठाना, उनसे दूर नहीं भागना है, और उसके लिए जरूरी है कि जी तोड़ मेहनत करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी सारी मंजिलें, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी हो। ठीक है, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।